बदायूं पहुंचे योगी सरकार में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार को 100 में से 100 नंबर दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में थानों में मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, लेकिन अब थानों में हर मुकदमा दर्ज हो रहा है। इस समय कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। इसमें 100 नंबर की आप बात करोगे तो हम 100 नंबर देंगे, और 10 नंबर की बात करोगे तो 10 नंबर देंगे, क्योंकि थानों में रिपोर्ट लिखी जा रही है। लोगों को इसलिए लग रहा होगा कि रिपोर्टें ज्यादा, पहली सरकार में थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। हमारी सरकार में एक एक प्रकरण की रिपोर्ट लिखी जाती है। अपराधियों को बंद किया जा रहा है, एंटी डोपिंग टास्क फोर्स का गठन किया, भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया। इस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चाक चौबंद है। धर्मपाल सिंह ने साथ ही नोटबंदी और जीएसटी पर कहा कि जो लोग जीएसटी का विरोध कर रहे हैं वो टैक्स चोरी कर रहे थे। और जीएसटी कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए नहीं है। जीएसटी का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो जनता से टैक्स लेते थे, सरकार में जमा नहीं करते थे, वो जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी का विरोध वो कर रहे हैं जिन्हें राजनीतिक दृष्टि से करना ही है विरोध, वो विरोध कर रहे हैं। नंबर तीन पर वो लोग हैं जो इसकी टेक्निकलिटी नहीं जानते, वन नेशन वन टैक्स, ये जीएसटी बहुत अच्छी है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बदायूं नगरपालिका से बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।